नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है मुंडका वार्ड 35 की, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते हैं समर्थक। और जैसे हम अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो लोगों का जो भरोसा है हम पर और ज्यादा हो चुका है, और जो वार्ड 35 के निवासी हैं लोग सब हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, हम टॉर्च पे ही बटन दबाएंगे, टॉर्च को ही जलाएंगे, तभी तो रोशनी आएगी। जी, परसों वोटिंग है, आज भी प्रचार में, क्योंकि बड़ी पार्टियों ने स्टार प्रचारक बुला लिए हैं। आप हैं परिवार के साथ है और वार्ड वासियों तक पहुँच रहे हैं, फर्क नहीं लगता कि बड़ी जनसभाएं नहीं हुई, कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं आया, कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप जन जन तक गए हैं, उन्होंने तो दिखावा ज्यादा किया। पहले तो देखो कि जो स्टार की अगर बात करी जाए तो मासूम शर्मा यहाँ पर भी आए थे, और दूसरी बात ये है कि जो जनता है, हम जो है दिखावे पे ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। जो बाकी जनता है, यहाँ के जो वासी हैं, वो भी जानते हैं कि जब तक एक जो नेता है या नेता के घर वाले हैं जो उठे हैं, वो ही रूबरू नहीं होंगे, तो फिर आप कितने भी बड़े स्टार को बुला लो, वो एक टाइम के लिए तो भीड़ जुट जाएगी, क्योंकि वो स्टार को देखने आएंगे, लेकिन उन्हें तो भाई हमसे बात करनी है ना, हमें सुनना, हमारे विचार सुनने, ताकि वो चयन करने में अपना सही डिसीजन ले सके। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो स्टार या सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं वही आगे जा रहे हैं, तो लोग उन पे ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं जो खुद आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो खुद जाते हैं, उनके दरवाजा खटखटाकर उनसे बातचीत करते हैं। तो और हमने तो डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू से रखी है, कि लोगों से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तो वो हमें अपना कैसे समझेंगे। क्योंकि परसों वोटिंग है, तो एक होता ना कि हमारी टक्कर उससे रहेगी, एक मन में आ जाता है, वार्ड की जनता भी बता देती है कि आप उसके मुकाबले में क्या लगता है, मतलब कि हम टॉर्च का मुकाबला झाड़ू से रहेगा या किसी निर्दलीय उम्मीदवार से रहेगा, बाल्टी से रहेगा, कमल से रहेगा, किसके साथ मानते हैं कि उसके साथ आप कंपेयर करके टक्कर में रहेंगे? हमारी टक्कर में कोई नहीं है, सब कह रहे हैं कि टॉर्च बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको रोशनी पसंद है, अंधेरे में कोई नहीं रहना चाहता। सब लोगों का हमने भरोसा जीता है, हम दिलों में बसे हैं, लोगों से बातचीत करके हमने उनके दिल जीते हैं, तो सब यही कह रहे हैं कि टॉर्च बटन दबेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी टक्कर में कोई है नहीं, और जब हम बातचीत करते हैं पहले, जब वो जो उनसे मिल चुके हैं वो पहले उनके दिमाग में घुस चुके होंगे, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो हम लोगों के सीधा दिलों में उतरते हैं, तो आसपास हमारे कोई है ही नहीं। जो अपील है आपकी चार तारीख को, आने वाली 4 तारीख को बैटरी पर बटन दबाकर टॉर्च, जो बड़े बुजुर्ग उनके लिए बैटरी, टॉर्च पर बटन दबाकर अनिल शर्मा, युवाओं के लिए टॉर्च और बुजुर्गों के लिए बैटरी, अलग अलग चीज है, तो क्योंकि वो भाषा का फेर बदल हो जाता है, तो हमें हर भाषा, हर सेक्शन को क्या कहते हैं समझाना, तो इसलिए जरूरी है। तो आने वाली 4 तारीख को टॉर्च पर बटन दबाकर अनिल शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाए, बैलेट नंबर है 6। और भी जो महिलाएं हैं जो कि पूरी मेहनत की है, साथ साथ रही हैं चुनाव में, अब क्या लगता है आपको? लास्ट समय आ गया बिल्कुल, इसके बाद आपको भी रेस्ट मिलेगा, वार्ड को भी रेस्ट मिलेगा। हमको बहुत खुशी हो रही है ऐसे घर घर जाके, और हमारी संतुष्टि हो रही है, वे कह रहे हैं वोट हम आपके देंगे। जी, पूरा वार्ड घूम के देख लिया, वार्ड वासियों से बात, पानी की समस्या, सभी समस्या को दूर करेंगे, और पूरे 35 वार्ड हमारे साथ है, सुबह की वोटिंग हम जीत जाएंगे। उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल पूरी उम्मीद है जनता से, हमें पूरे 35 वार्ड से कि हमारे साथ है। इस तरह से चुनाव में गए, बातचीत की, क्या लगता है? चुनाव में घर घर जाके गए हम, और सब ने बहुत अच्छा बोला, और भैया हम आपकी को, हम आपके साथ हैं, आपके वोट आएंगे, और हमारे को बहुत समस्या नाली की, कीचड़ की, सड़कों की, हर एक चीज की समस्या है, और बहुत ही अच्छा सहयोग दिया हमारे को घर घर जाकर। 15 दिन हो गए हमारे को जाते हुए, घूमते हुए, बहुत अच्छा गया, और अच्छी भाव मिलने से खुश हुए।